खान पान की गलत आदतों और ठीक से ब्रश नहीं करने की वजह से दांत से संबंधित तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। डॉक्टरों की माने तो अस्पताल में आने वाले सबसे ज्यादा मरीजों में किसी को मुंह में बदबू, दांतों में सड़न, दांतों में कीड़ा लगना, इसके अलावा मसूड़ों से खून आने की समस्या देखने को मिल रही है। इन्हीं सब कुछ सवालों के जवाब और जागरूकता को देखते हुए प्रभात खबर की ओर से मेडिकल परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल के ऑर्थोडेंटिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति मैसिंह आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में आपका। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। क्योंकि हम जैसा कॉमन चीज देखते हैं कि दांतों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि दांत पेशेंट जाते हैं क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में और दांत उखाड़ दिया जाता है, तो सर दांत उखाड़ने के बाद जो खाली जगह बचता है सर, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है या उसको क्या किया जाए? पेशेंट को और डॉक्टर को, दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मरीज का जो ओरिजिनल दांत है, जो उसका परमानेंट दांत है, वो ना उखाड़ना पड़े। उसके लिए हमें एक अवेयरनेस चलाना चाहिए, किसी भी तरह से दांत में सड़न हो तो मरीज तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और दांत को बचा लें। दांत को बचाने के लिए सबसे पहली विधि है कि सड़न होता है तो दांत को भरवा लिया जाए, फिलिंग उसको बोलते हैं, उसमें से कीड़ा हटाकर फिल कर दिया जाए, वो फिलिंग करने से दांत बच जाएगा। अगर उससे आगे बढ़ जाता है परेशानी तो उस दांत को, एक दांत का छोटा ऑपरेशन होता है, लेमन टर्म्स में उसको ऑपरेशन बोलते हैं और हमारे पद्धति में उसको रूट केनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। अच्छा, रूट केनाल, उसको आरसीटी। उस आरसीटी से क्या होगा, दांत बच जाएगा और फिर उसको, दांत को बचाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ और दिक्कत आ जाती है कि मरीज का और एडवांस हो जाता है और सड़न इतना बढ़ जाता है कि वो सड़न हड्डियों तक चला जाता है। हड्डियों तक अगर वो सड़न चला गया है तो फिर दांत को निकालना पड़ेगा। अच्छा, क्या वो अगर ट्रीटमेंट करना कराया जाए तो वो जो सड़ा दांत है वो हड्डी तक? हाँ, दांत जो है हमारे हड्डी के सॉकेट में होता है, हड्डी में सॉकेट बना होता है दांतों के लिए, उसमें वो दांत रहता है, तो वो दांत का सड़न धीरे धीरे उस हड्डी में चला जाता है। अच्छा। और वो अगर हड्डी में चला जाएगा तो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन ज्यादा जब हो गया तो एक्सरे में दिखेगा कि लीजन बहुत बड़ा दिख रहा है, जिसको कि आरसीटी से नहीं बचाया जा सकता। लेकिन अगर लीजन छोटा है तो उसको भी एक्सपर्ट डॉक्टर आरसीटी के द्वारा बचा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बचता है तो फिर उसको निकाल कर और वहां दांत लगा लेना। अच्छा, मतलब नया दांत वहां, नया दांत लगाना चाहिए। पहला ध्यान ये रखना है कि हमारे ओरिजिनल दांत ही बच जाए, उनको बचाना और बचा के रखना हमारा दायित्व है, डॉक्टरों का, डेंटल सर्जन्स का। और मरीज को ये अवेयरनेस फैलाना है कि आपको अपने ओरिजिनल दांतों के साथ ही पूरी जिंदगी रहना है। ये जो मिथ है कि दांत टूट जाते हैं, अगर आप दांतों का अच्छे से देख रेख करें, साफ सफाई, डॉक्टर से मिलते रहें या खुद से भी सफाई अच्छे से ब्रश करें, तो आपका दांत आपके पूरे लाइफ चलेगा जब तक आप जिंदा हैं। सर, दूसरा एक और सवाल है, हम देखते हैं अमूमन छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक के लोगों में एक टेढ़े मेढ़े दांत की सबसे ज्यादा कॉमन समस्या होती जा रही है, तो सर क्या टेढ़े मेढ़े दांत ऐसे छोड़ देना चाहिए या फिर उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए? टेढ़े मेढ़े दांत जो है वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और साथ साथ में हैबिट की वजह से भी होता है कि अगर बच्चे में अंगूठा चूसने का, अच्छा मतलब कम उम्र के नवजात, हाँ, बच्चे जो नवजात बच्चे शुरू से ही अगर अंगूठा चूसने का हैबिट है, टंग थ्रस्टिंग हैबिट है, लिप बाइटिंग हैबिट है, या उनके माता पिता को भी टेढ़े मेढ़े दांत हैं, दादा दादी, नाना नानी को, तो वहां से उनके दांत टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। तो अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उसका इलाज बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसका इलाज नहीं कराते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी, जैसे कि आप देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, जब भी आप हंसेंगे तो आपका स्माइल खराब लगेगा। दूसरा, आपके जबड़े भी छोटे बड़े हो सकते हैं। तीसरा, आपको पायरिया की बीमारी हो सकती है, क्योंकि टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो आप सफाई नहीं कर पाएंगे। चौथा, समय से पहले दांत टूट जाएंगे, दांत में कीड़ा लगने लगेंगे। इवन टेम्पोरोमेंडिबुलर ज्वाइंट प्रॉब्लम हो सकता है, जबड़ा खोलने बंद करने में दिक्कत आ सकती है। तो आपको ऑर्थोडॉन्टिस्ट से मिलकर दांतों में ब्रेसेस लगाकर और बहुत सारी पद्धति है जिसके द्वारा दांतों को आप सीधा तो करा सकते हो। टेढ़े मेढ़े दांतों का सर कुछ एज बाउंडेशन भी है क्या कि इतने साल नहीं, के किसी अंदर भी उम्र में करा सकते हैं, लेकिन जब भी आपको वो दिखे
कोशिश करें कि तुरंत उसका इलाज करा लें, 6 महीने 1 साल के अंदर। लेकिन जितना देर करेंगे जटिलता बढ़ती जाएगी, ज्यादा प्रॉब्लम। तो उसका एज बाउंडेशन नहीं है, एज बाउंडेशन नहीं है। अगर आप उम्र में उसको मान लीजिए आपको समझ आया 40 साल की उम्र में कि हमको लग रहा है कि मेरा दांत खराब है, तो आप 40 साल की उम्र में भी करा सकते हैं, 50 साल के भी उम्र में। तो जो 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 उसको हम लोग एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं, तो जो ट्रीटमेंट आप छोटे बच्चों को करेंगे वही वही बड़ों में करेंगे। ठीक है सर, बस उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है क्योंकि उस समय हड्डियां काफी उस तरह की हो जाती है कि जिसमें मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन अर्ली एज में मूवमेंट फास्ट रहता है और इलाज करना आसान है। और बच्चों में जब इलाज करेंगे तो बच्चों को ये फर्क नहीं पड़ता है, कोई देख रहा है कि मेरा इलाज चल रहा है। बड़ों में ये प्रॉब्लम है कि उनको एक सोशल स्टिग्मा लगता है, तो ये सोशल स्टिग्मा के कारण वो इलाज नहीं कराते। लेकिन उसके लिए आजकल ऐसे इलाज हो गए हैं जो दिखेगा नहीं और इलाज हो जाएगा। अमूमन दांत सड़ने का सबसे बड़ा कॉमन ये है, तो सर अगर दांत सड़ गया तो क्या करना चाहिए? दांत अगर सड़ गया तो सबसे बेसिक है कि जैसे ही आपको सड़न दिखे तो आप फिलिंग करा लें, और सड़न के साथ साथ दर्द होने लगा तो समझिए कि इन्फेक्शन दांतों में पूरी तरह फैल गया है, तो आरसीटी करके दांत को बचा। अच्छा, आरसीटी रूट केनाल ट्रीटमेंट, और रूट केनाल ट्रीटमेंट के बाद उस पर कैप लगवा दें। कैप लगाना इसलिए जरूरी है कि जैसे ही आप रूट केनाल ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो दांत में जो नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई है वो सब खत्म हो जाता है, तो दांत ब्रिटल हो जाएगा, वो टूटने लगे। कैप लगाने के बाद तो फिर कैप लगवा देना। अच्छा अच्छा, कि दांत को ब्रिटलनेस मतलब टूटने से बचाने के लिए कैप लगाना। अच्छा, कैप का मतलब कि वो अगर लग जाएगा तो के बाद कैप। और अगर दांत आपका टूट जाता है तो या डॉक्टर नहीं बचा पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको ब्रिज करवा लेना है। ब्रिज क्या है सर? ब्रिज है अगर एक दांत आपका टूट गया और उसके आगे पीछे दांत है, उन दोनों का सपोर्ट लेकर ब्रिज बना दिया जाता है, वो एक दांत उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। और आजकल नया जो हम लोग कर रहे हैं, प्रचलन में है इधर 10 सालों से, वो है इम्प्लांट। उसमें अगल बगल के दांतों को काटने की जरूरत नहीं। तो पहला बचाना है फिलिंग से। अच्छा, फिलिंग से। दूसरा, फिलिंग से नहीं बचा तो आरसीटी से, आरसीटी के बाद कैप लगाना है। अगर इनसे भी नहीं बचता है तब ब्रिज या रूट केनाल नहीं करा पाए, किसी कारण से फेल हो गया, या उस स्टेज को आप पार कर गए कि हम रूट केनाल डॉक्टर बोल दिए कि नहीं ये रूट केनाल से नहीं बचेगा क्योंकि आपका जड़ पूरी तरह खराब हो गया है, या जड़ के एपेक्स में पूरा इन्फेक्शन है, या फिर हड्डी ही खराब हो रही है, तो उस कंडीशन में नहीं बचने पे तब आपको उसमें ब्रिज या इम्प्लांट कराना है। सर अभी कॉमन ये चीज देखने को मिल रहा है कि मुंह के कैंसर की समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, खास करके रूरल एरिया में हम देख रहे हैं कि रूरल एरिया से और काफी लोग आ रहे हैं जो कि मुंह के कैंसर का वो है। तो सर ये मुंह के कैंसर का कारण क्या है, क्यों होता है? ये जो सप्ताह चल रहा है, ये ओरल कैंसर सप्ताह है, 31 मई को हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है, और ये इसलिए मनाया जा रहा है कि ओरल कैंसर इसका मेन कारण। अच्छा, ये वीक है अवेयरनेस को, अवेयरनेस पे चलाया जा रहा है, और 31 मई को इसका है। इसमें आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ओरल कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हमारे बिहार में, तो खासकर बिहार झारखंड में लोग तंबाकू खाते हैं, खैनी जिसको बोलते हैं, वो सबसे मेन कारण है। दूसरा कारण है गुटखा, तीसरा कारण है सिगरेट पीना, इवन आप जो लिकर पीते हैं उससे भी होने के चांसेस रहते हैं। चौथा कारण है कि आप जो लोगों को नहीं समझ में आता है वो है कि आपका दांत सड़ गया है, और इतना सड़ गया है कि धीरे धीरे हड्डियों में इन्फेक्शन फैल गया और उसका आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उस कारण से भी हड्डी का कैंसर हो सकता है, जबड़े के हड्डी का, जिसको ओरल कैंसर बोलते हैं। सबसे अभी जो लोग नहीं ध्यान देते हैं, एज होने के साथ साथ जब आप दांत से दांत खाना जब खाते हैं, चबाते हैं, तो आपका दांत शार्प होता चला जाता है। जो शार्पनेस है वो क्या करता है, बार बार आपके टंग और चिक से, मतलब आपके जीभ और आपके गाल के अंदर अंदर के सतह से वो टकराता रहता है। वो टकराते टकराते धीरे धीरे वो क्या होता है, पहले प्री कैंसरस लीजन में चेंज होता है, मतलब व्हाइट पैचेस, और धीरे धीरे चांसेस है कि वो कैंसरस लीजन हो जाए। अच्छा, ओरल कैंसर। तो समय समय पर आपको अपने दांतों को अपनी उंगली से चेक करना चाहिए मुंह में डालकर कि कोई मेरा शार्प एज तो नहीं है। अगर शार्प एज है तो डेंटिस्ट से मिलकर उस शार्प एज को राउंड ऑफ करा दें। सर यहाँ शार्प एज, पाठकों को थोड़ा सा, दर्शकों को ये हमें बता दें, शार्प एज क्या है और इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? शार्प एज
दांत का नुकीला हो जाना। अच्छा, दांत का दांत क्या होता है कि हमारा एक इस तरह का बनावट है कि दांत में हमारे ग्रूव्स होते हैं और साथ में उसमें एक कस्प होता है, कस्प और ग्रूव। कस्प और ग्रूव एक दूसरे के साथ जब ऊपर और नीचे में मिलते हैं तो खाना चबा पाते हैं, उसको अक्लूजन सेटल्ड बोलते हैं। वो जब आपस में टकराते टकराते कुछ दिनों के बाद वो एक दूसरे को घिसने लगते हैं, या किसी कारण से मान लीजिए दांत किसी का टेढ़ा मेढ़ा हो या कुछ सही से नहीं बैठ रहा, उस कारण से भी दांत घिसता है। घिसने के कारण उसके गाल के तरफ का भाग या जीभ के तरफ का भाग शार्प हो जाता है। वो शार्पनेस को राउंड ऑफ करना, अगर वो शार्पनेस रहेगा तो वो बार बार आपके जीभ को और गाल को काटता रहेगा, काटते काटते वो लंबे समय के बाद घाव बनेगा, सूखेगा, बनेगा, सूखेगा, वही कैंसर हो सकता है। सबसे ज्यादा ये किस तरह के इसमें किस वर्ग के लोग आ रहे हैं? इसमें सबसे ज्यादा उम्र होता है 40 से 50 60 की उम्र वाले। बच्चों में ये नहीं आता है, पाया जाता है, क्योंकि बच्चों का तो अभी उम्र ही क्या हुआ है उतना शार्प। दांत के घिसने कैसे घिसता है दांत जब आपस में या तो आप बहुत रगड़ते हैं, आप एंजाइटी में है, तो एंजाइटी में आदमी क्या करता है दांतों को आपस में रगड़ता रहता है, तो वो रगड़ बचाना है। दांत को तभी दांतों के साथ मिलाना है जब दांतों के बीच खाना हो। अगर दांतों के बीच खाना ना हो तो आप कोशिश करें दांत दांत से ना मिले, तो उससे क्या होगा दांत एक दूसरे को नहीं घिसेंगे। इसमें क्या है, एक दूसरे को घिस रहे। दांत के इम्प्लांट में कोई नई तकनीक भी अख्तियार हुई है क्या? दांत जैसे कोई दांत का जगह खाली है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हड्डी सही है तो उसका एक टेस्ट है, उसको बोलते हैं सीबीसीटी। सीबीसीटी में हम चेक करते हैं कि हड्डी का कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन ठीक है तो उसमें इम्प्लांट करते हैं। तो आजकल सिंगल इम्प्लांट है कि अगर मेरा एक दांत टूट गया है तो उस जगह पे दांत को प्रत्यारोपित कर दिया, इम्प्लांट टाइटेनियम का एक रॉड होता है, स्क्रू होता है, वो डालते हैं उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, दैट इज इम्प्लांट, टूथ इम्प्लांट। और एक होता है ओवर डेंचर, कि मेरा सारा दांत टूट गया है तो हम क्या करते हैं दो तीन इम्प्लांट ऊपर दो तीन इम्प्लांट नीचे डाल के उस पर डेंचर लगा देते हैं, फिक्स हो जाता है, वो निकलेगा नहीं। और तीसरा क्या होता है कि वैसे कंडीशन में जब दांत आपका टूट जाता है तो आप फुल माउथ इम्प्लांट करा सकते हैं। फुल माउथ इम्प्लांट मतलब कि कुछ करीब 8 से 9 इम्प्लांट ऊपर और 6 से 7 इम्प्लांट नीचे, तो वो सारे दांत आपको ऐसे दिखेंगे जैसे आपके ओरिजिनल दांत है। मतलब कि जड़ हमने प्रत्यारोपित कर दिया, वो प्रत्यारोपित दांत जो होता है वो टाइटेनियम का होता है और उसके ऊपर जैसा क्राउन है वैसा ही कैप लगा है। तो आजकल फुल माउथ इम्प्लांट का नया साइंस में आया है, जिससे कि मान लीजिए किसी कारण से हमको पायरिया हो गया या मेरे सारे दांत सड़ गए या हम अनुवांशिक मतलब जेनेटिक उनको दांत ही कम आया तो हम दांत जो है बाहर से प्रत्यारोपित कर सकते। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दांत लाइफ टाइम रहे तो पहला कोशिश करें कि आपका ओरिजिनल दांत ही आपके साथ रहे। ये मरीज का भी दायित्व है जो पेशेंट बनते हैं और डॉक्टर का भी दायित्व है कि अवेयरनेस फैलाएं कि जिससे कि दांत सड़े ही ना, और अगर दांत नहीं सड़ेगा तो हमको दांत निकालना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, दांत मसूड़े और दांत की सफाई रखें जिससे कि पायरिया की बीमारी नहीं होगी तो आपका दांत नहीं खराब। एक सर और लास्ट अब हम लोग एक और सवाल लेते हैं कि दर्शक को ये आप बताइए कि दांत हमेशा ठीक रहें, स्वच्छ रहें, दांत उनके चमकीले रहें, उसके लिए सर कोई डॉक्टरी सलाह दीजिए। दांत जो है हमारे दांत के जो कलर्स आप देखते हैं सफेद कहते हैं, लेकिन सफेद में भी बहुत सारे शेड्स आते हैं, तो ये जो शेड होते हैं वो जेनेटिक हैं। आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी के दांत के जो शेड होंगे वही आपका शेड होगा, वो जेनेटिक है। लेकिन अगर दांतों के ऊपर कोई जैसे कुछ मरीज आते हैं कि इसको सफेद कर दीजिए, तो अगर आपका दांत पीला है तो वो सफेद नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट क्या करना होगा, वीनियर्स कराने होंगे, लैमिनेट्स कराने होंगे, तो उसकी जरूरत नहीं है। इवन आप कोई मीडिया में ना हो या फिल्मी इंडस्ट्री में ना हो, तो आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि दांत सिर्फ साफ रहे, उस पर स्टेन ना लगे, कैलकुलस ना लगे और मसूड़े में कोई बीमारी ना हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप खाना खाने के बाद दिन में आप सुबह में ब्रश करें ना करें, एकदम क्लियर समझ लें, सुबह में ब्रश करें ना करें, रात में ब्रश जरूर करें। सुबह में ब्रश करना इसी तरह का माना जाएगा कि आपने खाना खाया, प्लेट गंदा है रख दिया और सुबह धोया, तो कितना गंदगी हो गया, फंगस लगा, बैक्टीरिया आया,
तब आपने धोया, या फिर उसी तरह या फिर दोनों टाइम कर सकते हैं। बेस्ट है आप दोनों टाइम करें, लेकिन अगर दोनों टाइम नहीं करें तो हमारा अपना अनुभव यही कहता है कि रात में जरूर ब्रश करें, सुबह में रिंस कर लें। लेकिन लोग इसका उल्टा करते हैं, सुबह में ब्रश करते हैं, रात में रिंस कर लेते हैं, तो गंदगी मुंह में ही रह जाती है। तो एक तो ब्रश अच्छे से करें, ब्रशिंग टेक्निक को फॉलो करें। इसके लिए आप गूगल के थ्रू आप ब्रशिंग टेक्निक देख लें या डॉक्टर से सलाह ले लें कि ब्रश कैसे करते हैं। तो ब्रश करना को टेक्निक से बहुत इंपॉर्टेंट है एक। दूसरा, पेस्ट जो यूज करते हैं वो आप सेंसिटिव पेस्ट रेगुलर ना यूज करें, नॉर्मल पेस्ट यूज करें, क्योंकि टीवी पे प्रचार आता है ये पेस्ट यूज करें वो पेस्ट यूज करें, नहीं, आप नॉर्मल पेस्ट यूज करें। सेंसिटिव होता है तो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर बताएंगे किस कंपोजिशन का पेस्ट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि दवा का जैसे कंपोजिशन है वैसे ही सेंसिटिव पेस्ट का कंपोजिशन है। तो आप कंपोजिशन डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि किस केस में कौन सा सेंसिटिव पेस्ट यूज करना है, और वो भी 2 से 3 महीने के, उससे ज्यादा नहीं। माउथ वॉश आप समय समय पर यूज करें, जैसे क्लोरहेक्सीडीन जिसमें है उसको देखते हुए, या और भी तरह तरह के माउथ वॉश हैं, लेकिन सबसे जरूरी है अच्छे से ब्रश करना, मुंह साफ रखना और समय समय पर रिंस करते रहना, कुल्ला करना। दिन भर में जितनी बार मौका मिले पानी पीते हैं, अब मुंह में पानी लें, पहले कुल्ला करें फिर पी लें, इतना तो आप कर सकते हैं, और ये सबसे बेसिक है। दांत हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, खूबसूरत और चमकीले दांत अगर आप दिखाने चाहते हैं अपना, इसके लिए आपको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना जरूरी है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो अपने से ट्रीटमेंट ना करके डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सर, आज हमारे आप स्टूडियो में आए और आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।